अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए बिहार के 49 स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और कार्यक्रम का रिमोट से शिलान्यास किया। इस सूची में भागलपुर के सुल्तानगंज समेत कहलगांव, पीरपैंती, नौगछिया रेलवे को भी शामिल किया गया है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में भी तैयारी की गई थी, जहां अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट से शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज स्टेशन पर मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे के अधिकारी राकेश कुमार रंजन, सदर SDO धनंजय कुमार, अजगैवीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी, मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार और पटुनटुन शाह, नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद नीलम देवी और भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार भी मौजूद रहे। इधर अमृत भारत योजना कार्यक्रम के दौरान रेलवे के अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत बूके देकर किया, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्राओं ने स्वागत गान एवं भक्ति गीत से की। शिलान्यास कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने रंगोली और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को रेलवे के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सभी सम्मानित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। मौके पर स्टेशन मास्टर दीपक कुमार, भाजपा नेता कुमार श्रवण, संजीव विधान, डॉक्टर अलका चौधरी सहित कई बुद्धिजीवी, रेलवे के अधिकारी एवं जिला और प्रखंड के अधिकारी मौजूद रहे। बाबा अजगैवीनाथ की नगरी है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत भारत योजना अंतर्गत सुल्तानगंज स्टेशन को जो चयनित करने का कार्य किया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार और रेल मंत्री सबों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में ऐतिहासिक कल्पना नहीं की जा सकती कि छोटे स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा। आज पूरे भारत के 508 स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और बहुत जल्द भारत के सभी ऐसे स्टेशनों पर और विश्वस्तरीय सुविधा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे और सिर्फ सुगम और सुखद ये यात्रा हो, सामान्य यात्रियों के लिए भी सुविधा और स्टेशन को बनाते समय वहाँ के विरासत को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। जैसे बाबा अजगैवीनाथ मंदिर है, उस मंदिर को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर का निर्माण चल रहा है और इतना बढ़िया सुखद होगा आने वाले समय में। जब आप स्टेशन आएंगे तो आपकी अनुभूति स्टेशन परिसर में ही अजगैवीनाथ का और उत्तर वाहिनी गंगा की अनुभूति यहीं पर होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन रविवार को भागलपुर के पीरपैंती पहुंचे, जहां शाहनवाज हुसैन ने देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए किए जा रहे अमृत भारत स्टेशन योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व स्तरीय सुविधा से लैस स्टेशन बनाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट से किया। वहीं पीरपैंती स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन ने अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन का 17 करोड़ 33 लाख की लागत से जीर्णोद्धार होगा और इसके तहत यहां फुट ओवर ब्रिज का चौड़ीकरण करने के साथ एस्केलेटर की सुविधा, वेटिंग रूम और एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनाया जाएगा, जबकि स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार को भी आकर्षक बनाया जाएगा। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि PM ने बिहार और भागलपुर को सबसे ज्यादा आधुनिक स्टेशन की सौगात दी है और आने वाले दिनों में इसका लाभ आम लोग और यात्रियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि उन्होंने बिहार के अंदर सबसे ज्यादा स्टेशन देने का काम किया अमृत भारत और भागलपुर लोकसभा में भी नौगछिया, कहलगांव, पीरपैंती ये तीन स्टेशन और भागलपुर जिला का चौथा स्टेशन सुल्तानगंज वो भी अमृत भारत में आज उसका शिलान्यास हो रहा है। लोगों में इतना उत्साह है, देखिए
तिल पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री को सब लोग प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत में पैंती का नाम, कहलगांव का नाम, नवगछिया सुल्तानगंज का नाम शामिल करके भागलपुर की जनता पर बहुत कृपा की है। हम सब प्रधानमंत्री के बहुत ऋणी हैं, आज इसीलिए खास तौर पे पैंती में हम लोग आए। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र गंगटी मोहल्ला स्थित एक शिव मंदिर परिसर में रविवार की सुबह लहू लुहान 25 वर्षीय युवक का शव देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और तुरंत यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बबरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू करते हुए शव की शिनाख्त की गई। मृतक युवक की पहचान भैरवपुर गांव निवासी जागेश्वर मंडल के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे मृतक रुपेश मंडल घर से अलीगंज की ओर निकला था और करीब 10 बजे परिजनों को रुपेश की हत्या ईंट पत्थर से कूच किए जाने की खबर मिली। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने गांव के ही मंटू मंडल पर रुपेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जबकि इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक के भाई मुकेश मंडल ने अपने पड़ोसी भैरवपुर निवासी मंटू मंडल पर रुपेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। मुकेश मंडल ने कहा कि 1 साल पूर्व दिलीप मंडल के पुत्र ने एक युवक की इसी जगह पर हत्या कर दी थी, जिसमें उसके भाई रुपेश कुमार मंडल को भी आरोपी बनाया गया था, जबकि कुछ दिन पूर्व रुपेश और दिलीप मंडल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाकर विवाद शांत कराया था, लेकिन इसके बावजूद दिलीप मंडल ने रुपेश मंडल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। साथ ही सिटी डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ईंट से कूच कर युवक की हत्या करने की संभावना दिख रही है और इस मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे चिन्हित कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भैरवपुर हुआ, भैरवपुर थाना हबीपुर, मेरा भाई है छोटा वाला, ये मंटू मंडल मदर किया है और दिलीप मंडल करवाया है। दिलीप ये दुश्मनी था कि उसका बेटा दिलीप मंडल का बेटा एगो मदर किया था, उसमें मेरा भाई का भी नाम डाल दिया था, ना गभा में इसका नाम डाल दिया था और ढेरी आदमी काम करता था और गभा में भैरवपुर का आदमी का नाम भी है, उसमें मेरा भाई अभी बेल पे बाहर निकला था। दिलीप मंडल बोला था, कहता था दिलीप मंडल का बेटा, तो वो बोला था अगर यदि मेरा बेटा नहीं निकलेगा तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। ये दिलीप बाबू बोला था कचहरी में, अभी यही करीब 1 महीना 1.5 महीना पहले, अभी तो मेरा भाई भी किया जेल से, यही जी नहीं झगड़ा नहीं हुआ था, ये बात कचहरी में बोला था। ये अभी घर में ही था, कोई काम के लिए इकला होगा, हम लोग तो सब बाहर जा चुके थे, हम घर में बोला हम घरे में, दो गो बेटा भी है घरे में, आज संध्या पढ़ने के लिए ना गया था, रोज इसको स्कूल पहुँचाने के लिए जाता था ना क्या कुमतोली, आज ना गया, संध्या घरे में था, तो वो दिलीप मंडल का बेटा मदर किया था, उसमें नहीं का एक गंगटी वाला का एक मदर किया था, उसका कुछ आपसी मामला था दिलीप बाबू और उसका बेटा के साथ, जो जमीन जगह चाहे कोई भी चीज़ का मौगी उगी का बारे में, ये इसको मरवाया दिलीप बाबू, मारने वाला मंटू मंडल है। दिलीप बाबू भैरवपुर का है, मंटू मंडल की भैरवपुर का है, इसका रुपेश कुमार था, मुखिया मंडल भी था। स्थानीय थाने को सूचना मिली, यहाँ पे एक मंदिर है अलीगंज के पास, गंगटी स्थान का नाम है, यहाँ पे एक मंदिर है, श्रद्धालु की पूजा अर्चना के क्रम में ये थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और लाश की मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रुपेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल है, इनका घर भैरवगंज हबीपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या जो भी है उस पर जख्म का निशान देखा गया है, मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है मायागंज, और हमारी टीम के द्वारा जो भी कारण है उसका पता किया जा रहा है। यहाँ के जो आसपास में जो भी सीसीटीवी है उसको भी खंगाली जा रही है, साथ में एफएसएल को भी जो टीम है उसको भी सूचना दी गई है, डॉग स्क्वाड भी आ रही है और जो भी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हर बिंदु है उसकी जाँच चल रही है।
प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? यहाँ पे एक ईंटा बरामद हुआ है, उसके जस्ट लाश के बगल में ऐसा लगता है कि ईंट से ही मार के, हालांकि उसके शरीर पे कुछ जख्म भी देखे हैं, तो ये मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ बताया जा सकेगा, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। FSL की टीम भी आएगी, वो भी अपना सैंपल ले जाएगी, उसके भी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। भागलपुर के बरारी समेत विभिन्न शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने के लिए घाट पर रहने वाले डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से नजराने के रूप में मनमाने ढंग से अधिक रुपए मांगे जाने की शिकायत लगातार मिलने पर नगर निगम प्रशासन एक्टिव हो गया है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के परिजनों से मनमाने रकम नहीं वसूले जाने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से सभी शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए तय किया गया रेट चार्ट भी लगा दिया गया है, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से कोई परेशानी नहीं हो। बता दें कि नगर निगम द्वारा तय किए गए रेट चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 से 1100 रुपये तक ही ले सकते हैं और इससे अधिक पैसे के लिए दबाव या हंगामा नहीं कर सकते हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के शमशान घाट पर रहने वाले डोम राजा काफी आक्रोशित हैं, जबकि रविवार को इन लोगों के द्वारा शमशान घाट पर लगे रेट चार्ट को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान DM सुब्रत कुमार सेन से घाट पर लगाए गए रेट चार्ट को वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने कहा कि वो सभी पिछले 7 पुस्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते, लेकिन अब रेट चार्ट का बोर्ड लगा दिया गया है जिससे उन लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। साथ ही कहा कि घाट पर रहने वाले सभी लोगों से प्रशासन द्वारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेकर बसने के लिए सभी परिवार को 3-3 डिसमल जमीन देने की बात कही गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन लोगों को जमीन मुहैया नहीं कराया गया है। मामला यही है सर कि हम लोग को जो दरखास्त जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो लिया, जो बोला कि आपको जमीन 3-3 डिसमल जमीन देंगे, आप लोग जमा कीजिए, तो जमा सर हम कर दिए। आई जाके नई जमीन मिला सर हम लोग को आने और कुछ, और वो जाके हमारा मसान घाट में जाके वोट लगा दी। उसके बाद बोलता है कि 1100 और 500 कोई देता है कोई नहीं हो देता है सर। हम लोग सब दिन आज 7 पुस्त से सर हम लोग मसान घाट से इतना परिवार का खाना पीना सब चल रहा था। अब बताइए सर कि अभी जो ये सब काम कर दिया है सर, तो कैसे हम लोग का बाल बच्चा पालन होगा सर? अरे वो चिट्ठा हटा दीजिए सर, जैसे हम लोग कमाते खाते थे उसे हम अपना कमाएंगे खाएंगे। अब मांग टांग के खाते सर आई जबरदस्ती जाके कह दिया कि 3-3 डिसमिल जमीन दिया। हम लोग ने पढ़े ने लिखे कुछ नहीं है। यहाँ से गया था नगर याहू का आदमी कर्मचारी गया, सिटी मैनेजर गया था। हमारा लोग के मशान घाट में गेले को कल के की तोरा लोग का 3-3 डिसमिल जमीन मिलता है, तोरा लोग का इंदिरा आवास पास करेबे, हमारा लोग का पढ़ लो न लिख लो आधार कार्ड जमा करवेल के, अब कुंजी जमा करवेल के, अब मशान घाट में यहाँ फीस करवा दिल के 1100 टका, 500 कोई दै छे कोई नहींयो दै छे, फ्रीयो सेवा होइ छे। सुनो बोल, कोई दै छे बाबू कोई नहींयो दै छे, हमरा लोग का फ्रीयो सेवा करै छे, दै वाला तो देबे करै छे, नै दै वाला की चाहै छै हमरा लोग का? चिट्ठा हटा दे, जैसे कमे खा रही हो से कमेबे खेबे, हमरा लोग मांगे चंगी के हमरा लोग के वहा कमे छे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान शनिवार की देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चिराग पासवान ने शनि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं अपने भागलपुर दौरे पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भागलपुर में भाजपा नेताओं और पत्रकार पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार के राज में अपनी आवाज उठाने और मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने पर छात्र, किसान, आम लोग, नेता और अब पत्रकार पर भी लाठियां चलाई जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि अगर यही करना है तो फिर बिहार में IPC की धारा की जरूरत ही क्या है। इसके अलावा लोजपा रामविलास के अध्यक्ष ने राहुल गांधी के 2 वर्ष की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के अगवा बनने की चाह में दिन रात एक करने वाले नीतीश कुमार को साइड कर राजद एवं कांग्रेस के नेता आपस में मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं,
शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनी रहे ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है, पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई जो लोग बोलते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना ये शब्द जंगल राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। क्यों नहीं भैया ये कानून की सारी धाराएं फिर समाप्त कर देते हैं, ज़रूरत क्या आईपीसी की किसी भी धारा की, अगर आपको सिर्फ लाठी और गोली से ही समस्या का समाधान करना है तो ये अपने में दर्शाता है कि आपको कानून की और किसी धारा की फिर ज़रूरत नहीं है। रविवार 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद की ओर से नाथनगर लालूचक में मानवता के लिए शांति विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अशांति फैली है और विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है, जबकि साम्राज्यवादी विचार पूरे विश्व को विध्वंस की ओर ले जा रहा है। गोष्ठी में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, नस्ल आदि की संकीर्ण विचार पर चर्चा की गई, जिससे पूरी दुनिया आपस में ही लड़ रही है। साथ ही मणिपुर की घटना पर भी दुख व्यक्त करते हुए इस तरह की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रेम मूलक एवं समता मूलक समाज निर्माण की तरफ जाना ही एकमात्र विकल्प होने की बात कही गई। वहीं हिरोशिमा दिवस पर गोष्ठी में पल्लवी कुमारी ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता यह देश कागज पर बना नक्शा नहीं का पाठ भी किया। इसके अलावा युवक युवतियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में स्वीटी प्रिया, कोमल, विजय कुमार, सुनील कुमार मंडल, ज्योति कुमारी समेत काफी संख्या में युवक युवती और संस्था के सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर के कहलगांव हटिया रोड स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक जिला उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला संगठन मंत्री सूरज प्रताप ने अखंड भारत के बारे में बताते हुए कहा कि 1857 से पहले भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो अब मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है, और पिछले 200 साल के कालखंड में भारत का 7 बार विभाजन अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो नीति के आधार पर किया गया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करके भारत से अलग कर दिया गया। वहीं बैठक में बजरंग दल के द्वारा प्रत्येक साल 14 अगस्त से अखंड भारत संकल्प दिवस सप्ताह मनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें हजारों युवाओं को अखंड भारत बनाने के लिए संकल्प दिलाया जाता है, और इस बार जिले में 50 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। साथ ही जिला श्रम मंत्री कुंदन कुमार ने कहलगांव, पीरपैंती और सबौर प्रखंड के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के नाम की घोषणा भी की। मौके पर महेश कुमार, संदीप जायसवाल, मुनीलाल, रोशन सिन्हा, सूरज कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।